अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि महिलाओं के पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आज इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि वे पल झपकते बातें उगल देती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बातें भी यही शेयर करती हैं। एक बात कब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कोई बड़ा उदाहरण ही क्यों, अपने घर की ही बात ले लीजिए। आपकी बात आपकी मम्मी से होते हुए आपकी चाची और दादी तक कब पहुंच जाएगी, आप समझ भी नहीं पाते हैं। आपको पता तब लगता है जब अचानक कोई दूसरा रिश्तेदार आपसे उस विषय से संबंधित बात करता है। तब जरा दिमाग पर जोर देने पर यह मालूम पड़ता है कि यह बात कैसे कैसे रिश्तेदारों तक पहुंच गई। आजकल इसका बेस्ट उदाहरण टीवी सीरियल में देखने को मिलता है। हर एक टीवी शो में एक ऐसी महिला होती है जो घर की छोटी से छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर सभी रिश्तेदारों तक पहुंचा देती है। आप ऐसी महिलाओं को घर की खुफिया जासूस भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी जासूस केवल टीवी सीरियल में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी होती हैं। अमूमन 10 में से 9 महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। समय आते वह किसी ना किसी से बात शेयर कर ही देती हैं और कई बार गलत इंसान से बातें शेयर करना उनको ही भारी पड़ जाता है। ऐसा क्यों करती हैं? इसका असल कारण किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों महिलाएं किसी को कोई राज छिपा कर नहीं रख सकती। आखिर महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके द्वारा हम जान सकेंगे कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल महाभारत में युधिष्ठिर का पूरी स्त्री जाति को एक श्राप के कारण आज तक कोई भी स्त्री कोई बात अपने पेट में नहीं रख पाती है। कर्ण माता कुंती का ही पुत्र था, लेकिन उन्होंने लोक लज्जा की वजह से यह बात सबसे छिपा के रखी थी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कर्ण की मौत हो गई, उसके बाद माता कुंती ने सबको बताया कि कर्ण पांडवों का ही भाई था। जब यह बात उनके पांडव पुत्रों को पता चली तो उनके बड़े बेटे युधिष्ठिर ने उन्हें श्राप दे दिया कि आपने यह बात छिपा कर रखी, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज के बाद से आप क्या पूरी दुनिया की कोई भी औरत अपने पेट में बात पचा कर नहीं रख पाएगी, वह सत्य को उगल ही देगी। उसके बाद से ही यह श्राप औरतों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग शास्त्रीय बातों पर विश्वास रखते हैं उनका ऐसा कहना है कि आज भी स्त्रियां धर्मराज युधिष्ठिर के ही इस श्राप को भुगत रही हैं। लेकिन यदि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है तो हम आपको स्त्री के स्वभाव के कुछ लक्षण बता सकते हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको वाकई यह कहेंगे कि स्त्रियाँ होती ही ऐसी हैं। सबसे पहला लक्षण है, उनमें हर बातों को जानने की भरपूर जिज्ञासा होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो महिलाओं में बच्चों की तरह जिज्ञासा होती है जो कभी शांत नहीं होती। उनसे कोई बात हजम नहीं होती और वह हर बात को जानने की इच्छुक होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं सिर्फ 32 मिनट तक ही कोई भी रहस्य अपने तक सीमित रख सकती हैं और उसके बाद वे कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढ ही लेती हैं जिसके कान में जाकर वे सारी बातें उगल सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एक शोध के मुताबिक महिलाओं को किसी बात को छिपाने में मानसिक बोझ लगता है। जब तक वे किसी के साथ इस बात को शेयर नहीं कर लेती, वह चैन की सांस नहीं ले पाती हैं। उन्हें हर पल वो बात सताती रहती है, इसलिए किसी को बता देने पर वो हल्का महसूस करती हैं। अक्सर हमने हर किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि गॉसिप या कॉपीराइट तो महिलाओं के ही पास है, और यह सही भी है। लड़कियां खाने के बिना रह सकती हैं, मगर गॉसिप यानी चुगली के बिना नहीं रह सकती। धर्मराज युधिष्ठिर के श्राप आज तक औरतों को भुगतना पड़ रहा है